बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के ताला वन परिक्षेत्र में एक बाघिन ने वन अधिकारी पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में सहायक परिक्षेत्र को जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना शनिवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के वन परिक्षेत्र ताला की गोहड़ी बीट में मांसाहारी वन्य जीवों की गणना का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते यहां पदस्थ सहायक परिक्षेत्र अधिकारी जितेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ जंगल में गए थे। गणना कार्य खत्म करने के बाद जैसे ही वे लौट रहे थे तो झाड़ियों में अपने बच्चों के साथ बैठी बाघिन ने हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से जितेंद्र सिंह हड़बड़ा गए और नीचे गिर गए। बाघिन ने उनके पैर पर झपट्टा मारा। इसके बाद उनके साथ मौजूद लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इससे बाघिन वापस झाड़ियों की तरफ मुड़ गई। जानकारी लगते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधक के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर पहुंचकर घायल सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि घायल सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के पैर में चोट आई है। गौरतलब है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शीतकालीन वन्य प्राणी गणना 20 जनवरी से 22 जनवरी तक की जाना है। इसके तहत मांसाहारी की गणना की होगी, साथ ही ऐप के माध्यम से डाटा को एकत्रित किया जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 139 बीट में गणना के लिए कर्मचारियों को तैनात कर दिया है, जो सुबह से गणना के लिए जुटे रहे। इसके बाद 23 से 25 जनवरी तक शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की जाएगी, वहीं एक दिन गिद्धों की गणना होगी। इस कार्य में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के 500 कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिसमें बिहार के वन विभाग के प्रशिक्षु वन रक्षक और वन पाल स्तर के लगभग 50 कर्मचारी सहयोग करेंगे। गणना पूर्ण करके वापस लौटे हैं। झाड़ी में बाघिन बैठी थी, बच्चे से बच्चे देखे तो चार्ज कर दिए। अचानक से फिर क्या हुआ? श्रमिक रहे पाँच छः लोग, साथ में भीड़ भाड़ है, आवाज आवाज की भागी फिर छोड़ दे। आज करीब गणना करके वापस आ रहे थे, वापस में झाड़ी के बाद में टाइगर छुपा हुआ, वो फीमेल थी, बच्चे साथ थे। अचानक जो है पास में आने पर वो हमला कर दिया। किन के ऊपर हमला किया? श्री जितेंद्र सिंह को जा रहा है।